नमस्ते, आइए आज हम देखते हैं द अनबॉक्सिंग वीडियो स्पाइडर एलईडी एच ब्रॉट टू यू बाय इंडियाज फेवरेट पेस्ट कंट्रोल ब्रांड पीसीआई प्रोटेक्टिंग योर वर्ल्ड। ये पर्टिकुलर जो स्पाइडर एलईडी एच है, इसका सीरियल नंबर, इसका प्राइस और इसका जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए अब हम अनबॉक्सिंग करते हैं स्पाइडर एलईडी एच को। इसकी पैकिंग बहुत ही अच्छे से दी गई है, इसकी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें यूजर और इंस्टॉलेशन मैनुअल दोनों दिया हुआ है। तो इससे क्या होता है कि आपको कोई भी यूजर है उसे आसानी से इंस्टॉल कर सकता है, कैसे यूज करना है इसमें सब कुछ दिया गया है। और इसमें बैक साइड जो होल्डिंग स्क्रू है और उसके जो स्क्रू होल्डर्स है वो भी दिए गए हैं। और अब हम खोलते हैं द स्पाइडर एलईडी एच। जैसे कि आप देख सकते हैं स्पाइडर एलईडी एच, ये जो पूरी जो मशीन की बॉडी है ये मेटालिक एल्यूमिनियम से बनी हुई है। इसके बैक साइड में भी एल्यूमिनियम कवर्स दिए हुए हैं जो कि रिफ्लेक्टर्स का काम करते हैं यूवी एलईडी के लिए। ये एलईडी जो है ये यूवी एलईडी है। इसमें दो ट्यूब्स दिए गए हैं। ये एक एलईडी की जो पावर कंजम्पशन है वो है 7 वॉट्स और इसका जो बर्निंग आवर्स है वो है 10,000 बर्निंग आवर्स, ठीक है। और ये जो पूरी जो बॉडी है, जैसे मैंने बोला, ये एल्यूमिनियम की बनी हुई है। मशीन की जो वेट है वो है 3.5 केजीज और इसे जो मशीन की जो लेंथ है वो है 1.67 फीट। इसकी जो विथ वो है 0.43 फीट और इसकी जो हाइट है ओवरऑल मशीन की वो है 1.02 फीट, ठीक है। और ये जो मशीन है इस पर आपके बैक साइड में आपको स्क्रू होल्डर्स भी दिए गए हैं। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था स्क्रू होल्डर्स और जो स्क्रू ड्राइवर जो दिए गए थे ये इसे यहाँ पे लगाना है और आप इसे आसानी से वॉल माउंट या तो टेबल टॉप मॉडल की तरह यूज़ कर सकते हो। इसकी जो एलईडी स्ट्रिप लाइट भी जो है, जो बेसिकली एलईडी जो लैंप्स दिए गए हैं उसे निकालना भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्लिप है, क्लिप को आप पुल करो, फिर आसानी से ये पर्टिकुलर आप एलईडी जो पूरी जो लाइट है आप इसे आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें सब में यूवी एलईडी लगी हुई है। और हमें हमेशा मेक श्योर करना है जब भी हम इसे निकालते हैं या तो इसे रीइंस्टॉल करते हैं या तो इंस्टॉल करते हैं, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसके जो एम्प्यूल्स है उसे हमारी फिंगर या तो कुछ टच नहीं करना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है सेफ्टी का कि हम यहाँ पे कॉर्नर में इसे पकड़े, ठीक है। और इसकी जो बैक साइड की बॉडी है वो भी एल्यूमिनियम की दी गई है, ठीक है। और इसके इसके हर एक पर्टिकुलर जो एलईडी स्ट्रिप लाइट्स है उसमें जो हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं उन्होंने खुद का कोड डाला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बारकोड भी गया है जो उनके पर्सनल बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। ऐसी दोनों लाइटों में सेम है, ठीक है। मैं आपको दूसरी लाइट भी खोल के दिखाता हूँ। इसे क्लिक करना है और ये आसानी से निकल जाएगा। और इसके आप बैक साइड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कंट्रोल बोर्ड दिया गया है। इसमें वन कंट्रोल बोर्ड यूज होता है, वन सिंगल कंट्रोल बोर्ड, जिसे निकालना और वापस से अंदर डालना बहुत ही आसान है। आप देख सकते हो जो हम लोग ने ये मशीन जब डेमो के लिए रखी थी, यहाँ पे आपको जो 2 दिन का जो रिजल्ट है वो दिख रहा है, जो फ्लाइज और जो फ्रूट फ्लाइज जो पकड़ी हुई है उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ इसे वापस से रीइंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। इसे यहाँ पे ब्लैक साइड वाले जो होल्डर है वो अंदर डालना है, फिर ब्लू साइड वाले होल्डर को यहाँ पे फिक्सअप करना है, ठीक है। यहाँ पे फिक्सअप किया, ये क्लिप को वापस से दबा देना है, ठीक है। और ये हो गया फिक्स, ठीक है। दोनों ट्यूब्स के लिए सेम। अगर अभी हम इसके मेंटेनेंस एंगल से बात करते हैं तो मेंटेनेंस एंगल से भी ये मशीन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसे खोलना बंद करना बहुत ही आसान है। इसे साफ भी कर सकते हो। इसमें जो ब्लू बोर्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया था, डालना निकालना ट्यूबलाइट डालना निकालना बहुत ही आसान है। और इसका बेस्ट पार्ट है ये पूरी एल्यूमिनियम बॉडी है, तो जिसके कारण क्या होता है कि मशीन अगर हीटअप भी हो जाती है तो इसकी बॉडी ज़्यादा गर्म नहीं होती, तो इससे प्रिक लगने का, शॉक लगने का चांस ज़्यादा कम है। और
हम अब दूसरा एंगल भी देखते हैं कि नॉर्मली हमारे दिमाग में आता है कि हम सालों से जो हमारी जो यूवी ट्यूब यूज़ करते थे कंपैरिजन विद द एलईडी, जो नॉर्मल हम लोग जो ट्यूब यूज़ करते थे यूवी की, तो उसके कंपैरिजन में बहुत लोग सोचते हैं कि कॉस्ट वाइज ये थोड़ा हायर साइड जा रहा है, बट इसका अगर आप आरओआई देखोगे, द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि इसकी जो पूरी जो एलईडी स्ट्रिप लाइट है उस पर 1 साल की आपको वारंटी मिलती है, प्लस इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 साल की, ओवरऑल मशीन पे आपको 1 साल की वारंटी है। और इसका और एक बेनिफिट ये है, ये इसका एनर्जी सेविंग जो है वो है 62% कंपेयर टू योर नॉर्मल यूवी ट्यूब, और इसका जो बर्निंग आवर्स भी जो है वो 10,000 बर्निंग आवर्स है, जो कि आपकी यूवी ट्यूब की बर्निंग आवर्स है वो सिर्फ 5,000 बर्निंग आवर्स है। तो अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे, अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, आपको ये मशीन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एट्रैक्शन रेट और ओवरऑल कंपेरेटिव ज़्यादा मिलेगा। तो एलईडी इज़ द फ्यूचर, सो प्लीज़ गो एंड बाय स्पाइडर एलईडी एच। थैंक यू।